हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये था हमारे घर का पहला मॉर्निंग ब्लॉग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम हो गया है और हम रात भर यहाँ पर सोए थे क्योंकि पूजा के बाद हमने यहाँ पे ही रुके थे। तो उसके बाद हमने बनाई थी यहाँ पर चाय क्योंकि गैस वगैरह हमने यहाँ पे रखा था। आज हम उसको वापस अपने जूने घर पर लेकर जाएंगे क्योंकि अभी तक हमारा सामान शिफ्ट नहीं हुआ है। तो हम आज यहाँ पर अभी मतलब है मॉर्निंग में, फिर उसके बाद हम जाएंगे घर पर। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर था हल्दी का प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो इनकी जो कज़न सिस्टर है उसकी हल्दी का प्रोग्राम हमारे यहाँ पर ही रखा गया था, यानी कि हमारे जूने घर पर। तो यहाँ पर जो है अभी उसी की तैयारी चल रही, मतलब हल्दी की तैयारी चल रही है। तो आप लोग देख सकते हो ये है इनकी कज़न सिस्टर। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, ज़्यादा ब्लॉग को शूट नहीं किया था मैंने क्योंकि ना पूजा में इतना थक गए थे। फिर उसके बाद ब्लॉग ज़्यादा मैंने कुछ बनाया ही नहीं और टाइम भी इतना नहीं मिला था क्योंकि बहुत सारे मेहमान वगैरह थे घर पर खाना वगैरह बनाना, तो ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई थी मैं। तो यहाँ पर जितना भी मुझसे बना वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है, हम सब यहाँ पर हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो यहाँ पर रस्म शुरू हो चुकी है और मैं भी यहाँ पर हूँ और सब हैं यहाँ पर। और काव्या जो है बिजी थी, वो पूरा 2 दिन से खेलने में ही लगी है। उसको स्कूल की भी छुट्टी की थी और क्लास की भी छुट्टी कर चुकी थी वो। तो यहाँ पर देखिए हमने येलो साड़ी पहनी है और मैंने ये वैसे येलो साड़ी एक दो बार ही पहनी है लेकिन फिर भी ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आती है, एकदम सिंपल सी है। वैसे मेरे पास येलो कलर की बहुत सारी साड़ी है लेकिन उन सब में से ये मेरी फेवरेट है। तो मैंने आज येलो वाली साड़ी पहनी है, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आप लोग तो देख सकते हैं, आप लोग ब्लॉग इन्जॉय कीजिए और मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। यहाँ पर रस्म सारी हो रही है, उसके बाद मैं जाने वाली हूँ मार्केट क्योंकि थोड़ी बहुत सी शॉपिंग हमारी बाकी है। और नेक्स्ट डे है शादी, जैसे आज शनिवार है और कल है संडे, तो कल शादी है। उसके लिए हमें जल्दी उठना है क्योंकि 8:30 से भी मतलब पहले उठना है क्योंकि हम 9 बजे मतलब 8 8:30 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे शादी में। तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, ये संडे का व्लॉग है ये। तो यहाँ पर मेरे और काव्या के मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए क्योंकि अब हम तैयार होंगे और अब हम जाएंगे शादी के लिए। और पता है सुबह के बज रहे हैं 7 7 बजे हम उठे थे और काव्या देखिए अभी नहाने जाने वाली है। तो वो और उसके बाद फिर ये व्लॉग डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है शादी में, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी और मैंने ना हार पहना था, पहली बार मैंने इस तरीके से हार पहना है। मुझे बड़ा हैवी हैवी लग रहा था, मुझे लग रहा था कि हार पहन के शायद मैंने गलती कर दी है क्योंकि मैं हमेशा अपना सिंपल लुक रखती हूँ। ये देखिए काव्या ना जल्दी उठी थी, रात को लेट सोई थी, 1 2 बज गया था सोते सोते और फिर सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठी। तो उसको देखो अभी नींद आ रही है, मोबाइल से देखते देखते वो यहाँ पर ही हॉल में ही सो रही थी। तो उसका मुझे ध्यान रखना पड़ा था, देखो उसको कैसे नींद आई है। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग काफ़ी दिन पहले मैंने शूट किया था और ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी छोटी सी क्लिप मैंने ली थी। तो मैंने कहा क्यों ना, मैंने सोचा क्यों ना चलो आज इस व्लॉग को कंप्लीट किया जाए, फिर आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो पीछे आप लोग को बहुत सारा ऐसे पसारा देखने मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया है कि हम कर रहे हैं शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का काम चल रहा है हमारा। लेकिन शिफ्टिंग जैसे 2 3 दिन में करनी होती है, वैसे ही हमारी शिफ्टिंग नहीं हुई है, अभी 1 हफ्ता हो जाएगा हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी 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 शिफ्टिंग चल रही है क्योंकि हमें 1 तारीख तक इस रूम को खाली करना है, 1 तारीख के बाद इस रूम में कोई रहने के लिए आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना, और इनको ऑफिस में मतलब थोड़ा सा काम भी है तो ये लेट आते हैं ऑफिस से। तो इसी अभी आज ही मतलब है आज लेट आएंगे क्योंकि आज संडे और संडे को भी ऑफिस गए क्योंकि इनको बहुत इम्पोर्टेंट काम था। और कल है इनकी भी छुट्टी और काव्या की भी छुट्टी है, तो कल हम शिफ्टिंग करेंगे, पूरा घर देखेंगे, जो सामान मतलब है बचा थोड़ा बहुत रह गया है वो सब लेकर जाएंगे कल। और वैसे भी हमें ये 1 तारीख तक घर खाली करना है, तो 1 तारीख को अभी काफ़ी टाइम है, 4 5 दिन है मतलब, तो हो जाएगा एक मतलब संडे तक, मतलब 1 तारीख तक सॉरी हो जाएगा खाली। तो अभी मैं बैठी थी यहाँ पर और काव्या गई है बाहर खेलने के लिए। और ये देखो कितना मतलब एक मतलब पूरा घर बिखरा बिखरा सा है।
तो मैंने कहा चलिए इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं और आप तक से बात भी कर लेते हैं। और मैं भी जाऊंगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी चाय पीनी है और अभी ना 8:30 का टाइम हो रहा है और आजकल मैं चाय थोड़ी सी लेट पी रही हूँ। शाम को नहीं पी थी मैंने, इवनिंग में नहीं बनाई थी मेरे लिए चाय, क्योंकि मैं अकेली थी। तो और वैसे भी आज संडे, संडे के दिन ये साथ में होते हैं तो हम साथ में चाय पीते, लेकिन आज संडे संडे जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि ये ऑफिस गए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में।